उत्तर प्रदेश के बांदा में सैकड़ों गायों को जिंदा दफन कर देने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही कर दी है। इस मामले में नरेनी नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता के साथ अब नरेनी के SDM सुरजीत सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह पूरा मामला बांदा जनपद के नरेनी तहसील का है, जहां इस हफ्ते नरेनी की गौशालाओं से सैकड़ों गौवंशों को ट्रक में भरकर बांदा में लगे हुए सैकड़ों गौवंशों को ट्रकों में भरकर बांदा से लगे हुए मध्य प्रदेश के जंगलों में जिंदा दफन कर देने सैकड़ों गौवंशों को ट्रक में भरकर बांदा से लगे हुए मध्य प्रदेश के जंगलों में जिंदा दफन कर दिया गया था। इनमें से कुछ गाय दफन होने के बाद भी सांस ले रही थी और कुछ घायल अवस्था में बचकर निकल गई थी। हालांकि वह भी मौत के मुंह में समा गई है। गौ हत्या मामले की जानकारी होने के बाद जनपद में हाहाकार मच गया। गौ सेवा, गौ भक्त और सामाजिक कार्यकर्ता बैनर होल्डिंग लगाकर सड़कों पर उतरे हैं और जिला प्रशासन का कड़ा विरोध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक राजकरण कबीर ने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इस मामले की जानकारी देते हुए बांदा के DM अनुराग पटेल ने बताया है कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई थी, जिसके बाद अधिशासी अभियंता नगर पंचायत नरेनी अमर बहादुर सिंह के साथ SDM नरेनी सुजीत सिंह पर निलंबित करने की कार्रवाई की।